जब किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था तो बहुत तरह के लोगों से हमारी बातचीत हुई, और उस बातचीत में एक बात ये भी सामने आई थी कि जो किसान है उन्होंने कहा कि हम अन्नदाता हैं। तो बहुत से लोगों ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि जो किसान है वो अन्नदाता नहीं है, अगर वो अपना अन्न हम लोगों को देते हैं तो उसके बदले हम भी पैसे देते हैं, वो दाता नहीं है, वो अपना जो अन्न है वो बेचते हैं। और मैं भी एक शहर से ही बिलोंग करती हूँ दोस्तों, मेरा लालन पाना जो है एक शहर में, और मैंने हमेशा देखा है कि हम लोग तो बाज़ार जाते हैं और सीधा चावल हमको मिल जाते हैं, चावल पैसे देकर हम खरीद लेते हैं, लेकिन वो एक एक चावल का दाना जो हमारे घर पर आता है उसके पीछे इन किसानों की और उसके साथ जो मजदूर लगे होते हैं उनकी कितनी मेहनत होती है वो देखने का मौका आज मुझे जब मिला, तो मैंने सोचा कि मैं चलूँ। मेरे जो गाँव के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जो भी जो ग्रामीण लोग हैं मुझे जानने वाले, वो सभी इन सब के यहाँ को जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो शहर में रहते हैं जिस तरह हमारा लालन पालन भी शहर में है, वो लोग नहीं जानते इन बातों को कि जो चावल के दाने उनके घर पर आते हैं उसकी एक एक चावल के दाने के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि उस मेहनत से आपका परिचय करा सकें कि अब किसान भी अपना गन्ना बेचते हैं, उन पर भी पैसों की कमी नहीं रहती, वो चाहे तो बाज़ार से जाके वो भी चावल खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वो चावल बोएंगे नहीं क्योंकि इसमें बहुत अधिक मेहनत होती है तो हम लोगों को चावल कहाँ से प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये कुछ लोग हैं जो इस समय, हम सभी जानते हैं कि मुंजी का सीज़न चल रहा है, मुंजी बो रहे हैं, और मुंजी बोने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पनीर किया जाता है मुंजी का, वो छोटे छोटे पेड़ होते हैं और ये पेड़ जब लगभग इतने बड़े हो जाते हैं तब उन्हें, यहाँ पर देखिए ये पौधे हैं मुंजी के पौधे, और इन्हें पहले इन्होंने खेत तैयार किए। मैं चाहूँगी कि एक बार दिखाने की कोशिश करें कि वो वहाँ पर खेत तैयार करें इसका, और यहाँ पर खड़े होना भी बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर ये देखिए ये मुंजी के जो पेड़ हैं इन्हें ये यहाँ पर मैं चाहूँगी कि दिखाएं कि एक एक पेड़ को निकाल कर ये इसमें लगा रहे हैं, पूरे खेतों में ये मुंजी लगाएंगे, झुके झुके इस तरह ये पौधे लगाने बहुत ही मुश्किल है। ये मुंजी के पौधे तैयार किए जाते हैं बीजों से पनीर, तो ये लगभग कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? 15 दिन में। अच्छा, तो अच्छा जैसे आप ये लगा रहे हैं यहाँ पर, तो लगभग एक खेत में यानी एक बीघे में लगाने में कितना समय लगेगा? 2 दिन में 1 बीघा। अच्छा, 2 दिन में 1 बीघा, तो देखिए 2 दिन में 1 बीघा मुंजी लग पाएगी, और 1 बीघे में कम से कम कितने क्विंटल मुंजी हो जाती होगी 1 बीघे में? 4-5 तो झड़ेगा। अच्छा, 4-5 क्विंटल झड़ जाती है, तो देखिए जो 4-5 क्विंटल मुंजी है उसे केवल पौधे रोपने में इन्हें लगभग 2 दिन लगेंगे 1 बीघे में, जिसमें 4-5 क्विंटल मुंजी होगी। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, वो आगे के कार्य भी हम आपको अपनी अगली वीडियोस में दिखाते रहेंगे। जैसे कि अब ये पौधे बो दिए गए हैं, इसके बाद ये जब ये मुंजी पक जाएगी तो किस तरह की प्रोसेस होगी, क्या क्या कार्य होंगे, और किस तरह से ये चावल के दाने लोगों के घर तक पहुँचेंगे।